हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई बिस्किट। इसे मैंने कढ़ाई में और माइक्रोवेव में तो बनाया ही है, साथ ही इसे थोड़ा सा कलरफुल लुक भी दिया है, तो लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है आधी कटोरी के लगभग घी लिया है। घी को मैंने रूम टेम्परेचर पर ही रखा है, इसको मेल्ट नहीं किया है। और यहाँ मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये घी थोड़ा जमा जमा रहेगा तभी हमारी मिठाई नान खटाई बहुत अच्छी बनेगी। और हमें अब करना है यहाँ थोड़ी सी मेहनत, और इसे अच्छे से हमें इसको फेंट देना है ताकि ये बहुत फ्लफी हो जाए इस तरह से। नान खटाई में थोड़ी सी मेहनत यहीं पे है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। हल्का सा फेंटने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ हाफ कप पीसी चीनी है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। और फिर से थोड़ी सी मेहनत और कर लेनी है और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए, अच्छे से फेंट लेने के बाद ये कितनी क्रीमी दिख रही है। और ये देखिए, फेंटते फेंटते इस घी और चीनी के मिक्सचर को मैंने बना लिया है एकदम क्रीमी। और इसी मिक्सचर की वजह से हमारा जो नान खटाई का डो है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए कितना हल्का हो चुका है ना। तो अब मैं इस जो मतलब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप से थोड़ा सा कम मैदा है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा भी बेसन भी डालना है, और 1/4 कप बेसन है। मीन्स टोटल 1 कप हमें चाहिए मैदा और बेसन लेकर के। और इलायची पाउडर है 2 से 3 इलायची है, जिसे मैंने पहले से ही चीनी के साथ पीस लिया था। 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। चुटकी भर नमक, नमक बहुत ज़रा सा डालना है कि जब हम कोई मिठाई बनाते हैं ना तो हल्का सा नमक उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। और अब ये देखिए, हमारी मेहनत जो है ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हल्के हाथों से इसका बहुत ही सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। इसको हमें कुछ नहीं करना था, हल्का सा गूंथ लेना था। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है प्री हीट करने के लिए, मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसमें मैं एक स्टैंड डाल दे रही हूँ और कढ़ाई को ढक दूंगी, और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए हीट करने को छोड़ दूंगी। और सेम इसी तरीके से माइक्रोवेव को मैंने ऑन कर दिया है कन्वेक्शन मोड पे, और 160 डिग्री सेल्सियस इसका मैंने टेम्परेचर रखा है, और इसे मैंने 10 मिनट के लिए सेट कर दिया है प्री हीट करने के लिए। तो अब चलिए इसी टाइम पे हमें इसका जो हमें नान खटाई का है पेड़ा रेडी कर लेना है। छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेनी है। तो इसका शेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं इसे स्पून का यूज कर रही हूँ, और इसी स्पून के बेस पे इसका मैं जो है शेप है रेडी करूँगी। इस तरीके से इसको हल्का सा, ये इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत जल्दी इसकी लोइयाँ बन जाती हैं, पेड़े इसके बहुत अच्छे बन जाते हैं। नान खटाई का डो बहुत ही सॉफ्ट और हल्का होता है। ये देखिए, इसके सारे शेप्स रेडी हो चुके हैं। अब इस ट्रे को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर ले रही हूँ और इस पर फटाफट से मैं रख दूँगी नान खटाई। और अब इस पर नाइफ से प्लस का शेप देते हुए मुझे हल्का सा इस पर कट कर लेना है इस तरीके से। और सारे शेप रेडी होने के बाद हमें इस पर बहुत जरा जरा सा इस पर दूध लगा देना है। बॉयल मिल्क लीजिएगा ठंडा किया हुआ, और इस पर लगा करके हमें इस पर बादाम लगाने होते हैं। ऐसा करने से इस नान खटाई का टेस्ट डबल हो जाता है। और फटाफट से मैंने हाफ बादाम कट किए हुए हैं, उसे मैं इसे गार्निश कर लूँगी। और ये हो गया है तैयार बेक होने के लिए। और अब यहाँ मैंने जो डो आधा रखा था उस डो को दो पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, और ले रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑरेंज या येलो फूड कलर है। जरा सा दूध में इसको मैं घोल लूँगी ऐसे, ताकि ये जो डो बनाया है मैंने उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इसका कितना खूबसूरत येलो कलर आ गया है। और इसको मैं अच्छे से इस दोनों हाथों से और मिक्स कर लेना है ताकि जो कलर है बिल्कुल इवन हो जाए।
और अब यहाँ पे रेड कलर का फूड कलर ले रही हूँ और इसे भी हल्का सा मैं दूध से इसका घोल बना ले रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हमें इसका भी कलर रेडी कर लेना है। और ये देखिए, ये भी इसका भी कलर थोड़ा सा हल्का आया, उतना रेड नहीं आया है, लेकिन दोनों कलर अपने आप में इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। और हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक जो डो हमने बनाया है उनका दोनों की बराबर बराबर लोइयाँ डिवाइड कर लेनी है इस तरीके से। और दोनों बॉल्स को हमें ले करके इस तरीके से हल्का सा इसमें हाथों से हमें इसे मिक्स करना है और फिर से इसे लोइयाँ बना देनी है। ये देखिए कितना प्यारा शेप आया है ऐसे, ठीक। और इसको हम हल्का सा साइड से इसको चिकना कर लेंगे और इसको जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा शेप दे देंगे। तो ऐसे ही नान खटाई का मैंने ये शेप भी रेडी कर लिया है और इस पर बादाम चिपका दिए थे। और अब ये भी कढ़ाई में बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, और कढ़ाई हमारी बहुत हीट हो चुकी है, बहुत ही संभाल के इसके ढक्कन को हटाना है, काफ़ी गर्म है ये। और अब मैं इसमें जो मैंने रेडी किया था उसको प्लेस कर दूंगी और फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट तक बेक करना है। ये देखिए फ्लेम भी मीडियम है। अब यहाँ हमारा माइक्रोवेव भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें इस ट्रे को भी प्लेस कर दे रही हूँ। और यहाँ फिर से हमें कन्वेक्शन मोड को ऑन करना है, टेम्परेचर रखना है 160 डिग्री सेल्सियस और टाइमर सेट कर दूंगी मैं यहाँ पूरे 15 मिनट। और अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब करना तो वैसे ही बिल्कुल फ्री है। और अब ये हो गया है बेक और अब इसको फिर से हमें बड़े सावधानी से इसके ढक्कन को हटाना है। और वाओ, ये देखिए क्या खूबसूरत कलर खिल के आया है बिस्किट का। तो अब मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। और यहाँ भी माइक्रोवेव का भी सेम वही चीज़ है, ये भी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। और इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ बहुत सावधानी से। जब भी नान खटाई को निकालना हो तो ट्रे को 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने देना चाहिए, तभी निकालना चाहिए, नहीं तो ये इतने हल्के होते हैं कि बड़े आराम से टूट जाते हैं। और ये देखिए ठंडा हो चुका है और बेक हो चुका है दोनों साइड से। और अब ये कढ़ाई वाला भी देख चेक कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है। और अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ, कढ़ाई वाली नान खटाई को भी तोड़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, और ये है सामग्री जो कि मैंने यूज की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।